हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरीका का प्लेट में कोई भी डिग्री में भी ग्राइंडिंग करना हो, बेवल ग्राइंडिंग करना हो तो कैसे ग्राइंडिंग करेंगे, कितना mm बैक ग्राइंडिंग करेंगे कि जितना डिग्री में हम चाहे उतना डिग्री में भी बना सकें। अगर आपको प्लेट टू प्लेट इस तरीका से ज्वाइंट करना हो तो उसके लिए भी आपको भी मारने का जरूरत पड़ सकता है, और नहीं तो आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस प्लेट में हमें 37.5 डिग्री में भी मारना है तो हम कैसे मारेंगे, या फिर 40 डिग्री में भी मारना है तो हम कैसे मारेंगे, कितना mm हम बैक ग्राइंडिंग करेंगे कि ये 40 डिग्री में भी हो जाए या फिर 45 डिग्री में भी हो जाए। इसका जो प्लेट का जो थिकनेस होता है, ये जो आप देख रहे हैं प्लेट का जो मोटाई, इसको थिकनेस बोला जाता है, तो ये आपको थिकनेस लेना होता है। और इसमें हमें कितना डिग्री में भी ग्राइंडिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें 37.5 डिग्री में ग्राइंडिंग करना है, आपको ये देखना है कि हमें कितना डिग्री में इसमें ग्राइंडिंग करना है। उसके बाद ये फॉर्मूला है डिग्री इंटू 10 और इंटू थिकनेस, डिग्री इंटू 10 करना है, जो कैलकुलेटर में टैन थीटा आता है, डिग्री इंटू 10 जो आंसर आएगा इंटू थिकनेस, तो जितना mm आएगा उसमें हम ऐसे बैक ग्राइंडिंग करेंगे। तो मैं आपको एक कैलकुलेटिंग करके दिखा देता हूँ अपने मोबाइल पे किस तरीका से करना है, ताकि टैन थीटा और साइन थीटा हमें दिखाई दे। मान लीजिए इस प्लेट में हमको 38 डिग्री में भी ग्राइंडिंग करना है, तो हम यहाँ पे लेंगे टैन 38। यहाँ पे देखिए हमको 38 डिग्री में ग्राइंडिंग करना है, तो हम यहाँ पे 38 लिख देंगे टैन लेकर के, ये वाला जो टैन है हम सेलेक्ट करेंगे और बराबर कर देंगे, इस तरीका से बराबर वाला बटन दबा देंगे, तो ये देखिए आंसर आ गया, जो आंसर आया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, इनटू थिकनेस करना है। जैसे इस प्लेट का थिकनेस है 16 mm, तो हम ये 16 mm यहाँ पे लिख दिए, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आंसर 12.5। तो 12 mm अगर हम बैक ग्राइंडिंग करेंगे 12.5 mm, तो ये 38 डिग्री में हो जाएगा। इस तरीका से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको 37.5 डिग्री में मारना है, तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर हम टैन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 37.5 और बराबर कर देंगे, जो आंसर आया हुआ उसमें इनटू 16 mm थिकनेस, इसका जो प्लेट का जो थिकनेस है 16 mm है, तो हम यहाँ पे इसको बराबर कर देंगे, तो ये देखिए 12.2 mm लेना है, यानी कि 12.2 यानी कि 12 mm लेंगे, और वो 38 डिग्री के लिए दिया था 12.5 था और इसमें 12.2 है, तो सेम ही है, सेम इसी तरीका से आपको फार्मूला ये यूज करना है। तो फ्रेंड जो आंसर ये आया हुआ है 12.2 या 12.5, हम इसमें इस तरीका से सीधा लाइन एक मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद इस पे हम ग्राइंडिंग करेंगे इस तरीका से जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं, जैसे ये पाइप के ऊपर ग्राइंडिंग मारा जा रहा है, सेम इसी तरीका से आपको ग्राइंडिंग करना है जैसे ये पाइपिंग का ग्राइंडिंग करते हुए आपको दिखाया जा रहा है। ये मैं पाइपिंग पे भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें ये स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको अलग बना दे रहा हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए समझने के लिए। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक करके दिखाया गया है कि इसमें बैक ग्राइंडिंग कितना mm किया गया है, ये पाइप का थिकनेस कम है इसीलिए 6 mm जैसा बैक ग्राइंडिंग किया गया है। तो जब आप बैक ग्राइंडिंग कर लेंगे, इसमें जितना mm आपको बैक ग्राइंडिंग करना है, तो इस तरीका से इसमें भी बन जाएगा जैसे आप ये प्लेट देख रहे हैं। तो इसी तरीका से आप प्लेट टू प्लेट अगर ज्वाइंट करना है भी मार करके, टेस्ट प्लेट बनाना है या किसी तरीका का ड्राइंग में दिया हुआ है प्लेट टू प्लेट ज्वाइंट करना है, कुछ लंबा प्लेट है तो उसके हिसाब से भी मारना पड़ता है प्लेट टू प्लेट ज्वाइंट करने के लिए। तो ये सब फार्मूला आपको जानकारी ले लेना चाहिए, इसको नोट करके अपने नोटबुक में रख लेना चाहिए।